देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एक नमक जो भारत में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पवित्र नमक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल व्रत त्योहारों में काफी ज्यादा होता है, उस पर पाकिस्तान विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की संसद में मांग की जा रही है कि भारत को ये नमक भेजना बंद किया जाना चाहिए। भारत उनके इस नमक को मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर प्रोसेस और पैकेजिंग कर रहा है। इस नमक को हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे गुलाबी नमक भी कहते हैं। इसका रंग गुलाबीपन होता है। भारत में हम इसे सेंधा नमक के तौर पर जानते हैं। ये आमतौर पर पाकिस्तान से भारत आता है। लंबे समय से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि इसका भारत आना अब पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। माना जाता है कि इस नमक का जन्म लाखों साल पहले प्राकृतिक तौर पर हुआ। ये हिमालय के आसपास के इलाके में पाया गया, लिहाजा इसे हिमालय नमक भी कहा जाता है। हालांकि दुनिया का 98% ये नमक पाकिस्तान से बड़े बड़े टुकड़ों में निर्यात होता है। सबसे ज्यादा इसकी खपत भारत में है। पाकिस्तान में इसे खेवर नमक खदानों से निकाला जाता है, जो झेलम नदी की सॉल्ट रेंज कही जाने वाले पहाड़ियों की तलहटी में। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में एक स्टोरी वायरल हुई है कि किस तरह से भारत इस नमक को पैकेज और प्रोसेस करते दुनिया भर में निर्यात कर रहा है। इन पर मेड इन इंडिया का ठप्पा भी लगाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस पर काफी ज्यादा एतराज है।